मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के मैसेजेस आपको भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से आए हुए होंगे। ये सारे मैसेजेस जो आप देख रहे हो ये मुझे आए हुए हैं, और जबकि मैंने कोई सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग एक डेमो फॉर्म भरते हैं, बस वही ये डेमो फॉर्म के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट तक जाके छोड़ दिया था, पेमेंट नहीं किया था, फाइनल सीयूटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया था, बस रजिस्ट्रेशन हुआ था वहां से इन्होंने डेटा लेके। इसलिए आप नाम देखो कैसा रैंडम सा नाम है, क्योंकि डेमो हम लोग भरते तो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ नाम देते तो है नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये मैसेजेस आए हैं एडमिशन के लिए। कोई बोलता है शॉर्टलिस्ट आप हो गए, कोई बोलता है कि लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट कुछ सीट्स बाकी रह गई हैं, जल्दी से अपने आप को एनरोल्ड कराइए। इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो मुझे आ रहे हैं, जो कि मैं सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा भी नहीं हूँ। तो आप तो फॉर्म भरे हो, आपको भी ऐसे ढेर सारे मैसेजेस जो हैं वो आते होंगे। अब मन में कई बार ये भी बातें आ रही हैं कि रिजल्ट में देरी हो रही है, रिजल्ट देर आ रहा है, और यहां पर लिख रहे हैं कि सिर्फ 50 सीट बाकी है, अगर मैं यहां पर एनरोल्ड करा लूं अपने आप को नहीं तो ये भी सीट चली जाएगी। खासकर वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जिनके स्कोर कम है, जिनको लग रहा है कि मुझे तो सीयूटी से कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, तो मैं जो है वो इस तरीके के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं इसके थ्रू यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं, इसके थ्रू मैं इनरोल्ड हो जाता हूं, एडमिशन ले लेता हूं, नहीं तो रिजल्ट देर होगा तो मुझे ये जो सीट मिल रही ये भी नहीं मिल पाई, क्योंकि लिखा है कि सिर्फ 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट बाकी है। अब ये चीजें मेरे मन में कहां से आई, मैं कहां से सब चीजें सोचा, मैं कमेंट को मैंने जब एनालिसिस किया तो कमेंट में ऐसे आ रहा था कि रिजल्ट इतना देर हो रहा, कहीं ना कहीं चलो भाई प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। कमेंट क्या उसके नीचे फिर आपस में डिस्कशन होने लगा, हाँ भाई कहीं ना कहीं एडमिशन तो ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये सीट भी भर जाएगी तो वो भी नहीं मिलेगा, सीयूटी का रिजल्ट तो बहुत देर आएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। इस तरीके के आपके मन की लगातार बातें चल रही हो, जो कि मुझे बहुत परेशान किया। इस हिसाब से मुझे ये लगा कि आप लोग तो एडमिशन ले लोगे ऐसे, और ये जो चीज करना चाह रहे थे उसमें आप सक्सेसफुल, मतलब ये लोग सक्सेसफुल हो गए, ये जिस चक्रव्यूह में आपको फंसाना चाह रहे हैं उसमें आप फंस गए। आपको क्या लगता है, जिसने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म को भरा नहीं उसको ये यहां पे एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं, तो क्या सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद ये एडमिशन नहीं देंगे क्या? अरे तब भी ये एडमिशन देंगे, तब भी आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। अपने आप को फंसाइए मत, सीयूटी के रिजल्ट में देरी है ठीक है, लेकिन सीयूटी से जुड़े हुए जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एडमिशन प्रोसेस को उसके बाद ही करवा पाएंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप कहीं पर एडमिशन मत लो, आप कहीं एडमिशन लेना चाहोगे तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मेरी एक सलाह है आपको, सीयूटी से जुड़ी हुई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी यात्रा की वीडियोज में कितनी है, जिनके स्कोर कम है मैं उनके लिए सीधे बातचीत कर रहा हूं, छोड़ दो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज, अरे 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मारा मारी है, उसके बाद की यूनिवर्सिटीज में इतनी दिक्कतें नहीं है, आराम से एडमिशन हो रहे हैं। कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कहने के सीयूटी के स्कोर पर एडमिशन लेंगे, बाद में ओपन एडमिशन लेने लगते हैं, सीट नहीं उनकी फुल हो रही होती है। आपको अपने कोर्स के लिए 10 टॉप यूनिवर्सिटीज को एक जगह करना है, उसके बाद अपने रीजन वाइज कि आपके आसपास की कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी बढ़िया है वो पता करना है, उसके लिए आपको अप्रोच करना है, उसके बारे में आपको पता करना है, और अगर आपका स्कोर कम है तो वहां सब आपके एडमिशन हो रहे होंगे बड़ी आराम से, आपने सीयूटी दिया होगा जितना स्कोर पाओगे उतना सफिशियंट होगा उसके एडमिशन के लिए। 10-12-15 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे एडमिशन के लिए आपका अच्छे स्कोर की जरूरत होती है, जहां पे मेरिट और कट ऑफ और दुनिया भर की बातें आती हैं। हड़बड़ाइए मत, पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे ये लोग जीत जाएंगे। जो करना चाह रहे हैं शॉर्टलिस्ट करवा के 10 सीट आपके लिए बची है, आप ही को ऑफर की जा रही है सीट, उसमें आप फंस जाओगे। इनसे बात करोगे इस तरीके से आपसे बात करेंगे ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अल्टीमेटली एडमिशन ले लोगे अगर आपके पास पैसा है तो, पैसा नहीं तो बात ही नहीं करोगे इनसे आप। इसमें खराब नहीं, इसमें कुछ कुछ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट की अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। मैं किसी पर्टिकुलर को नाम नहीं लूंगा, सबका नाम दिख रहा है, और मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट करूं यह कोई अच्छी बात नहीं होगी, मैं कर भी नहीं रहा हूं ऐसा, लेकिन मैं यही कहूंगा पैनिक मत होइए,
और यूनिवर्सिटीज आपके पास बहुत सारी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इनमें से किसी में एडमिशन लेना चाहोगे ना, तब भी सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद भी आपका एडमिशन हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ऐसे नहीं होगा कि रिजल्ट में देरी हो रही है तो सीट अपने आप भर जाएगी। कौन जाएगा उन सीट पर एडमिशन लेना, आप ये खुद ये तो सोचिए, कौन जा रहा है एडमिशन लेने? और इन लोगों के पास सीट्स की कमी है क्या? BHU है कि हाँ लिमिटेड है, 205 सीट लेने वाले हैं, बहुत है इन लोगों के पास, सीट उठ की कोई कमी नहीं है। जो पैसा से जिस इंस्टीट्यूट को पैसा से मतलब होगा, वहां सीट का इशू थोड़ा ना आता है। हमारे क्रैश कोर्स में सीट लिमिटेड है, लेकिन आप जब आ ही जाते हो, उन्हें हमको एडमिशन चाहिए ही, तब हम वहां पे अपनी सीट को एक्सटेंड भी कर ले जाते हैं, क्या ठीक है भैया आओ। तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, बहुत पैनिक नहीं होना है। CUET के रिजल्ट आने का वेट करना है। अभी तक आपने वेट कर लिया है तो हफ्ते 10 दिन की बात और है, मैक्सिमम 10 दिन। 15 जुलाई से डिले रिजल्ट नहीं जाएगा, बहुत होगा तो 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे बच्चे 15 जुलाई तक वेट कर लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप जो है वो एडमिशन प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करिए, वो ठीक रहेगा। यहां सब तब भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये काइंड ऑफ मेरी तरफ से एक सलाह थी। और बाकी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहीं एडमिशन नहीं लेना है, आपकी मर्जी, आप जहां मन के वहां एडमिशन लो, मैं क्यों रोकूंगा। लेकिन मैं मुझे एक सलाह देना था, क्योंकि कमेंट देख के मैं थोड़ा सा वहां पे डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पुश करने आया था कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।